नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज़। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में हर वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है दुर्गा पूजा, पर इस बार कोरोना की भेड़ चढ़ती नजर आ रही है। पूजा मूर्तिकारों में मायूसी। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बुधवार को जमकर उड़ाई गई कोविड के नियमों की धज्जियां, अनुमंडल पदाधिकारी हुए खफा। जमशेदपुर में कई मामलों में वांछित अपराधी अविनाश कुमार सिंह एवं उसके सहयोगी चढ़ा पुलिस के हत्थे, हथियार हुआ बरामद। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। भारतवर्ष में कोलकाता के बाद जमशेदपुर में ही दुर्गा पूजा का रौनक देखने को मिलता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के दौरान ये रौनक धूमिल होती नजर आ रही है। साथ ही इसका असर मूर्तिकारों पर भी देखने को मिल रहा है। माता रानी की सुंदर और अद्भुत प्रतिमा का दृश्य जमशेदपुर की है, जहां पहले बंगाल के मूर्तिकार शहर में पहुंचकर एक से बढ़कर एक महंगी मूर्तियां बनाया करते थे, जो पूजा पंडालों में खास आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। मगर इस वर्ष कोविड-19 के काल में दुर्गोत्सव का मतलब ही बदल चुका है। सरकार द्वारा पूजा में होने वाले मेला इत्यादि पर रोक लगा दी गई है। वहीं सरकारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा होगी, वो भी 5 फीट की मूर्तियों को स्थापित कर। जहां इस आदेश के बाद मूर्तिकारों का दर्द स्वाभाविक है। इस वर्ष पहले ही ऊंची ऊंची और ज्यादा लागत की मूर्तियां नहीं बनेगी और इस कारण मूर्तिकारों की कमाई पर ग्रहण लग चुका है। वैसे मूर्तिकारों की माने तो ऑर्डर उनके पास है, लेकिन छोटी मूर्तियों में उनका खासा लाभ नहीं हो पा रहा है और इस कारण उनमें मायूसी छाई हुई है। मूर्ति इस बार छोटे छोटे सब बन रहे हैं, मूर्ति का मतलब क्वांटिटी भी कम हो गया है, ठीक है। और कारीगर नहीं आ सकता बाहर से, गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा, कहाँ से आएगा। हम बोलना चाहेंगे गाड़ी घोड़ा चालू कर दें। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को दुर्गा जी का सब सामान लाना है, कपड़ा मुकुट उकुट कलकत्ता से, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। अगर जाएंगे तो बाइक कार में जाना होगा, मतलब सामान लाएंगे 20,000 का तो 10,000 का गाड़ी भाड़ा लग जाएगा। अब छोटे छोटे मूर्ति लास्ट है, हाइट है 5 फीट, बड़ा मूर्ति में थोड़ा पैसा बचता है, इसमें भी बचेगा लेकिन उतना नहीं बचेगा, ताकि रेट जो रेट हम लोगों को चाहिए वो पार्टी नहीं दे सकता। जितना चंदा भी नहीं हो रहा, जितना हाँ उतना बना रहे हैं लेकिन दाम कम हो गया। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बुधवार को जमकर कोविड के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। इनके द्वारा प्रदर्शन के नाम पर जहां एक तरफ मुख्य सड़क को घंटों जाम किया गया, वहीं दूसरी तरफ जिला मुख्यालय के मुख्य गेट को जाम करते हुए सामाजिक दूरी की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वैसे पूरे राज्य भर में मंगलवार को ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि विधेयक का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया, लेकिन जमशेदपुर में झामुमो के द्वारा ये प्रदर्शन बुधवार को आहूत की गई थी। तमाम झामुमो कार्यकर्ता इस दौरान मुख्य सड़क पर इकट्ठा हो गए, जिस कारण मुख्य सड़क जाम हो गया और आवश्यक कार्यों के लिए जा रहे लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। वहीं इनके द्वारा जिला मुख्यालय के मुख्य गेट को भी जाम कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें झामुमो कार्यकर्ताओं ने कोविड के नियमों को ताक पर रखते हुए जमकर सामाजिक दूरी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। इस दौरान पार्टी के विधायक भी इसमें शामिल थे, जो खुद भी नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन, जो खुद जिलाध्यक्ष भी हैं, और जुगसलई विधायक मंगल कालिंदे भी इसमें शामिल थे। इसी बीच धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी जैसे ही जिला मुख्यालय पहुंचे, उन्होंने सभी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी नेताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने की सख्त हिदायत दी। इसको लेकर दोनों विधायक से अधिकारियों की बहस भी हुई, लेकिन धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी रुके नहीं और उन्होंने कार्रवाई की, जिस पर दोनों विधायक खासे नाराज दिखे। वहीं धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने इन पर न्याय संगत कार्रवाई किए जाने की बातें कही। वहीं नाराज दोनों विधायकों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बातें कही। अब
आज केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास किया है, जिसका विरोध में हम लोग एक मांग पत्र देने के लिए हम लोग आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का नाम से मांग पत्र बनाया है द्वारा डीसी ने कहा कि करने कार्रवाई करेंगे, उसको विरोध कर रखा है, विरोध कर रखा है कार्रवाई करने के लिए। आज हम लोग मेमोरेंडम देने के लिए आए हुए हैं, मेमोरेंडम देने के लिए पांच या सात आदमी जाएंगे, भीड़ लेकर आएंगे, रोड का भीड़ को देखकर चले गए तो हजारों आदमी है रोड पे जाता है। हम लोग विधायक है, हम लोग देखने के लिए ऐसे खड़ा हो जाता है। भीड़ कहाँ है, हमारा पार्टी का 30 से 40-50 आदमी होगा जो झंडा पहना, देखिए ना जो झंडा पहना रहा है उसी ने हमारा आदमी हमको मानेंगे। अब जो रोड पर खड़ा हो जाएगा उसको मानेंगे मेरा आदमी। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, कुछ सोशलिस्ट आप देख रहे हैं, आपको हमने क्या कहा कि आप देख ही लेंगे क्या करेंगे, उनको जिनको ज्ञापन देना है लोग मिले हैं, बाकी हम लोग खाली करवा रहे हैं फिलहाल तत्काल के लिए। एक बार एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। हम लोग लॉकडाउन का उल्लंघन, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं, अब उस संदर्भ में कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर में कई मामलों में वांछित अपराधी अविनाश कुमार सिंह एवं सहयोगी विशाल सिंह उर्फ चिंटू को परसोडी पुलिस ने एक देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि परसोडी पुलिस के गश्ती के क्रम में परसोडी थाना अंतर्गत गदड़ा मेन रोड पेट्रोल पंप के पास पूर्व के कई मामलों में वांछित परसोडी निवासी अविनाश कुमार एवं विशाल सिंह को तलाशी के लिए रोका गया, जहां उनके पास से एक लोडेड देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन व हीरो होंडा मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। बता दें अविनाश कुमार सिंह पूर्व में कई मामलों में वांछित हैं, जिसके लिए परसोडी पुलिस द्वारा जिला बदर के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जानकारी देते हुए डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि अविनाश सिंह का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, जिस पर कुल 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 मामलों में वो जेल जा चुका है और 3 मामले तड़ी पार अवधि में अविनाश सिंह पर दर्ज हुए हैं। उन्होंने बताया अविनाश सिंह की तड़ी पार अवधि जनवरी में समाप्त हो गई, जिस पर पुनः जिला बदर के लिए उपायुक्त के पास प्रस्ताव भेजा गया है, जो कि वर्तमान समय में लंबित है। दीवा गश्ती के दौरान पेट्रोलिंग गाड़ी के द्वारा जब गश्ती के दौरान दो संदिग्ध एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति गश्ती पार्टी को देख करके भागने लगे, उसी में उन लोगों की गतिविधि कुछ संदिग्ध देखते हुए जब गश्ती दल के द्वारा उनका पीछा किया गया तो जो पकड़ाया दो व्यक्ति जो अविनाश कुमार सिंह और विशाल सिंह उचिंटू, उनको जब पकड़ा गया और उनकी जब तलाशी ली गई है तो उनके पास एक देसी कट्टा, दो जिंदा गोली प्राप्त हुआ उनके पास से। उनके बारे में जानकारी यह है कि पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, ये इनपे कुल अभी भी तो वर्तमान में 3 केस में ये वांटेड थे और पूर्व में भी 3 केस में ये जेल जा चुके हैं। ये अविनाश कुमार सिंह पूर्व में तरीपार रहा है, इसकी तरीपार अवधि जो है सो जनवरी 2020 में ख़त्म हो गई थी और पुनः हम लोगों ने इसके तरीपार के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ये लोग कुछ जमीन का मामला में ये लोग अभी इन्वॉल्व है, उसी में अपना ये लोग हैं। विशाल सिंह का ऐसा कुछ नहीं रहा है अभी, ये हाँ शिकायत इसकी भी थी कि अपना ये अभी अविनाश सिंह के साथ ये भी घूमता फिरता रहता है। बाबरी विध्वंस के 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया है, जहां सीबीआई ने बाबरी विध्वंस कांड में शामिल भाजपा के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार जैसे नेताओं को क्लीन चीट दे दिया है। इधर जमशेदपुर में भाजपा नेताओं ने सीबीआई कोर्ट का फैसला आने पर खुशी जाहिर करते हुए जमकर मिठाइयां बांटी, जहां पूर्व मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा नेताओं ने खुशियां बांटी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के कारण राम भक्त इतने दिनों तक झूठे मुकदमे झेलते रहे, पार्टी के बड़े नेताओं को क्लीन चीट मिलने के बाद उन्होंने खुशी जाहिर की। खुशी की बात है कि 28 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जिस तरह राम भक्त लोगों पर झूठा केस कराए, आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय बड़े नेताओं के साथ साथ साधु मंत महंत सभी 32 लोग को रिहा कर दिया।
और कोर्ट ने भी कहा कि कोई साक्ष्य इन लोगों पर नहीं है, जो झूठा परेशान करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था। आज न्याय मिला, न्यायपालिका की जीत हुई, सारा देश सारा झारखंड आज इस निर्णय से खुश है और हम देख रहे हैं कि जगह जगह पूरे देश में इस ऐतिहासिक जजमेंट के कारण लोग खुशी मना रहे हैं। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष जनता दल यूनाइटेड के द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दिए जाने के खिलाफ ये धरना था। बताया जाता है कि किसी रमेश सोरेन नामक व्यक्ति के द्वारा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं और आदिवासी सिंगल अभियान के तमाम पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, जिस कारण इनके द्वारा सांकेतिक धरना जिला मुख्यालय के समक्ष दिया गया और आरोपी रमेश सोरेन की गिरफ्तारी की मांग की गई। इनके द्वारा इसकी लिखित शिकायत कदमा थाने में भी दर्ज कराई गई है। कोई एक रमेश सोरेन करके है जिसके संबंध हम लोगों को लगता है जेएमएम के साथ है, कुछ आतंकवादियों के साथ है। उसने सार्वजनिक रूप से सालखन मुर्मू को मार डालने, जदयू और आदिवासी सिंगल अभियान के कार्यकर्ताओं को मारने का वीडियो घोषणा करके वो तो चला रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग किया है कि उसको गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए इत्यादि। आज हम लोग माननीय अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं उनको एक ज्ञापन पूर्वी सिंहभूम डीसी के माध्यम से देना चाहते हैं। उसी के लिए हम लोग अभी 12 बजे से 2 बजे तक एक सांकेतिक धरना में हम लोग बैठे हैं। जमशेदपुर में बुधवार को रफ्तार का कहर फिर से देखने को मिला। गुलमोरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया। ड्यूटी जा रहे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वैसे पुलिस ने ट्रक को जब्त करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक सतगोड़ा थाना अंतर्गत लाल भट्टा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक का नाम विजय सिंह बताया जा रहा है और वे टाटा कंपनी में ठेका मजदूर थे। संयोग से वे भी चालक ही थे। बड़ा होगा जिससे बताया ना, एक एक्सीडेंट हो गया है, जाकर के इंक्वेस्ट करना है। इसके नाम इनका क्या था? विजय सिंह भैयाडे। एक ट्रक मतलब ट्रक था। हाँ, ट्रक जब्त कर लिया गया। हाँ, ट्रक पकड़ा लिया। जमशेदपुर में पिछले एक पखवाड़े के भीतर अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। लूट, अपहरण और छिनतई जैसी घटनाओं में अचानक इजाफा हो गया है। यहां तक कि अब अपराधी दिन दहाड़े अपहरण और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इधर लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाक्रम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने जिले के SSP को एक ज्ञापन देकर अविलंब आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाए जाने की मांग की। गुंजन यादव ने बताया कि जमशेदपुर शहर अमन और चैन वाला शहर है, लेकिन इस तरह से शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उससे शहर का माहौल बिगड़ रहा है। गिरती कानून व्यवस्था, गत दिनों सीताराम डेरा थाना और कदमा थाना के अंतर्गत दिन के उजाले में जिस तरह अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर चिंतित है। आज उसी ओर हम अपना ध्यान वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकृष्ट कराने आए हैं और अपनी चिंता जाहिर करने आए हैं कि इस तरह अगर शहर में चोरी डकैती छिनतई की घटना डेली होती रही, यह जमशेदपुर अमन और शांतिप्रिय शहर है, प्रशासन इस ओर ध्यान दे। कोरोना काल कोरोना वॉरियर्स के रूप में देश भर में कार्य कर रहे पत्रकारों के हितों की रक्षा की मांग जमशेदपुर से दुर्गा सेना ने उठाई है। इनके द्वारा झारखंड राज्य सरकार के समक्ष पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने की मांग की गई है।
दुर्गा सेना के अध्यक्ष लक्खी सिंह ने ये मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां के पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया है, उसी तर्ज पर झारखंड सरकार भी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए। साथ ही साथ कोरोना काल में जिन पत्रकारों की जान गई है उनके आश्रितों को 10 लाख मुआवजा और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करे। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में पत्रकारों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनमानस की सेवा की और उनके स्वास्थ्य का ख्याल करने की जिम्मेवारी अब राज्य सरकार की है और इस कारण पत्रकारों को उनका हक मिलना चाहिए। पत्रकार बंधु जो कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधु को जो कि मिला गया है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा लागू किया गया वहाँ पर, आज हम भी झारखंड सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह योगी सरकार ने पत्रकार बंधु को सुविधा दिया है स्वास्थ्य बीमा का 5 से 10 लाख का, यहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री जी उनको सुविधा दे, क्योंकि हर क्षेत्र हर गली शहर से हम लोग का लगातार कवरेज दे रहे हैं। इस कोरोना काल में भी उन लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके हम लोग को लगातार न्यूज़ कवरेज मीडिया के द्वारा पत्रकार के द्वारा हम लोग को मिला जा रहा है। इसीलिए हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह योगी सरकार ने उनको मांग पूरा किया है, उसी तरह यहाँ पर भी झारखंड सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी उन लोग को पूरा करे, 5 से 10 लाख का मुआवजा दे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।